फेमस पर्सनालिटीज ऑफ गुलबर्गा और शानी गुलबर्गा के इस एपिसोड में हमने इनवाइट किया है एक ऐसे शख्स को जिसने कई सारे काम करने वाले लेबर्स, तरकारी बेचने वाले बच्चों को और पेंट करने वाले वर्कर्स को भी इंग्लिश सिखाकर उनकी लाइफ बदल दी। एक ऐसे शख्स से जिसने खुद इंग्लिश में 35 मार्क्स लिए मगर आज उनके स्टूडेंट्स इंग्लिश में टॉप कर रहे हैं, जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के मशहूर टीचर मुबीनुद्दीन खैरदी की। आज इस एपिसोड में आप जानेंगे उनकी जिंदगी के बारे में कि कैसे एक बैक बेंचर से वो क्लास के टॉपर बन गए। चलिए आगे उनकी जिंदगी के बारे में उन्हीं से जानते हैं शानी गुलबर्गा वो फेमस पर्सनालिटीज ऑफ गुलबर्गा के इस एपिसोड में। हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद आबिद मुहिद्दीन एंड यू वाचिंग गुलबर्गा ऑनलाइन। आप सबका वेलकम करता हूं गुलबर्गा ऑनलाइन में। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम हम कंडक्ट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन किया है न्यू दक्कन मीडिया सॉल्यूशन के साथ, और इस प्रोग्राम का जो नाम है फेमस पर्सनालिटीज ऑफ गुलबर्गा शानी गुलबर्गा। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं गुलबर्गा के एक फेमस पर्सनालिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको जानते हैं, इनके स्टूडेंट जो है ना सिर्फ इंडिया भर में बल्कि दुनिया भर में भी फैले हुए हैं इनके पास जो है ना इंग्लिश सीखकर। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि वो इंग्लिश सीख सकते हैं, वैसे स्टूडेंट्स इनका मुबीन सर के पास आकर जो है ना सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं बल्कि आज एक अच्छे मुकाम पर भी पहुंच चुके हैं। तो मेरे साथ हैं मुबीन खैरदी सर, जो कि इंग्लिश के बहुत ही फेमस टीचर हैं। इससे ज्यादा मैं इनके बारे में नहीं बता सकता, उन्हीं के अल्फाज में जो है ना उनका तारुफ मैं सुनना चाहूँगा, आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा। मेरा नाम मुबीनुद्दीन खैरदी है, खैरदी हमारा सरनेम है। क्वालिफिकेशन मेरी जो है एमए इंग्लिश, एमएड, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश है। रही बात इंग्लिश के ताल्लुक से, इंग्लिश आज मेरी एक पहचान बन गई है। कल तक यही मेरी इंग्लिश कमज़ोरी भी थी। जैसे मैं पीयूसी में फ़ेल हुआ, पीयूसी में फ़ेल होने का मेजर रीज़न जो था ये इंग्लिश ही थी। आप उर्दू में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आप इंग्लिश की वजह से सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आपको इंग्लिश नहीं समझ में, तो क्या होगा? ज़ाहरी बात है आपको ना केमिस्ट्री समझ में आ सकती, ना बायोलॉजी, ना फिज़िक्स। तो मैं यही इंग्लिश की वजह से पीयूसी में फ़ेल भी हुआ लेकिन फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह बाउंस बैक करा। वो उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, तो बहरहाल ये कुछ इंफॉर्मेशन थी अपने तालुक। बचपन से आपने कहाँ पे तालीम हासिल की, किस किन किन स्कूलों में आपने ये किया, उसके बारे में अगर बता दें। जी, पहला जो हमारा एक स्कूल जिसमें मैं पढ़ता था वो फिलहाल बंद होने की कगार पे है या बंद हो गया। जी जी, गुजार स्कूल बल्कि मोमिनपुरा में था। अच्छा। उसके बाद दूसरा जो है मैं बीदर में पढ़ा, महमूद गाँव में। महमूद गाँव एक अच्छा स्कूल रहा, और जैसे गुलजार भी अच्छा स्कूल है। फिर बाद में नेशनल स्कूल में यहाँ से मैं स्कूलिंग भी किया, कॉलेज भी किया, फिर डिग्री इवन एमएड भी मैं जो है नेशनल से ही किया, और गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा से मेरी जो भी तालीम है वो पूरी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। तो ये मेरे लाइफ के अपने स्टडीज़ के बारे में है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो भी स्टूडेंट्स जिस स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ लर्निंग अगर आपकी जितनी रहेंगी आप उतने काबिल बनते। सही बात, क्योंकि किताबों का जो सिलेबस रहता है एक महदूद रहता है। अब आप एक स्टूडेंट्स को देखिए, जो बच्चा पढ़ने के लिए 10 साल लगाता है और जब उन्हें IAS KAS की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो बड़े से 3 से 4 महीने के अंदर वो पूरे 10 साल का सिलेबस पढ़ता है। तो बताने का मकसद ये है कि जो बच्चे भी, जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, आप सेल्फ लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और ये ख़ास कर पॉइंट कीजिए कि आपका जो तालिबे इल्म स्कूल जाता है वो वहाँ सीख क्या रहा है और उसके अंदर क्या सलाहियतें परवान चढ़ रही हैं। अगर इन चीज़ों पे मेरे ख्याल से इन बातों पे ध्यान देंगे तो रोज़ाना लड़का कुछ नया सीख कर आएगा। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ कमा लेते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जब स्कूल जाके कुछ कमा के आएगा, यानी कुछ तालीम हासिल करके कुछ सीख के आएगा, तो वो पढ़ाई दरअसल उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इवन टीचर से भी ज़्यादा आप बोल सकते हैं। सर एक चीज़ ये बताइए, आपने थोड़ा तो उसको तारुफ में ही आपने बता दिया है, इंग्लिश के बारे में इंग्लिश का सफ़र आपका कैसा, क्योंकि आपकी जो पहचान अब बन चुकी है वो इंग्लिश से ही पहचान बन चुकी है, और कोई सोच भी नहीं सकता, शायद मुझे तो पता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप उर्दू मीडियम से हैं, क्योंकि आपकी इंग्लिश देखकर लोग जो है ना इतना ये हो चुके हैं कि शायद उन्हें लगता है बचपन से ही ये
इंग्लिश के माहौल में जो है ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, खेला, मतलब बड़ा भी उसी माहौल में हुआ है। तो बचपन से कैसा माहौल था आपका, एजुकेशन कैसा, इंग्लिश कैसी थी आपकी बचपन से, अगर डिटेल में उसके बारे में बता, ताकि उन लोगों को एक मैसेज मिले जो सोचते हैं कि हम इंग्लिश सीख नहीं सकते, या फिर स्पेशली हमारे उर्दू मीडियम के तुलबा होते हैं, उनको ये लगता है टेंथ के बाद जैसे आपने बताया कि माहौल पूरा चेंज हो जाता है, तो उनको एक मैसेज मिलेगा आपके वर्ड्स के ज़रिए। शुरू में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 7 तक पढ़ने लिखने तो आ जाता था, लेकिन मसला वही समझने का था इंग्लिश का। अब चूंकि हम उर्दू मीडियम के थे, उर्दू मीडियम में मार्क्स जो भी आप सब्जेक्ट का मुताल्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर मार्क्स जो देखे जाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से देखे, वही मामला मेरे साथ भी हुआ। लेकिन समझने के मामले में मैं बिल्कुल ही ज़ीरो था। हालत ये थी कि लीफ के माने तक मेरे को, जब हम डिग्री में आ रहे हैं तब उसका अंदाज़ा नहीं था करेक्ट। तो इसका नतीजा ये निकला कि मैं डिग्री में भी जो लिया एडमिशन भूमरेड्डी कॉलेज से जी, वहाँ पे मैं पूरी तरीके से, आप यकीन नहीं जानेंगे, मैं फेल हो गया। अच्छा। पढ़ाई का जुनून मेरे अंदर इतना ज़्यादा था पढ़ने का ताल्लुक से कि मैं उर्दू के जो भी किताबें रहती थी बहुत ज़्यादा पढ़ता था। मेरे घर में मशहूर भी था, मेरी बहन बोलती थी कि ये तो किताब का कीड़ा है, बोले उर्दू के रिलेटेड था। लेकिन जब भी मैं सब्जेक्ट्स पढ़ता तो कोशिश करता कि उसको रट के मैं किस तरीके से निकालूँ। मगर जो ही मैं डिग्री में एडमिशन लिया पीयूसी में फ़ेल होने के बाद, वहाँ मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है। आज मुबीन खैरदी आपके सामने एक इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो मैं समझता हूँ वो अल्लाह के फजल के वो करम से और माँ के सपोर्ट से है। मैं पीयूसी फेल होने के बाद वालिद साहब डिसाइड कर दिए कि भाई यू हैव टू बिकम द टेलर, आपको टेलर बनना चाहिए और या कुछ और कोई काम कर लीजिए, लेकिन अब आप पढ़े आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी ऑफिसर। उसके बाद मेरे वालदा मुझे सपोर्ट करे और फिर उन्होंने बोले कि नहीं, मैं मेरे बच्चे को जो है पढ़ूंगी और अब तक मैं सपोर्ट नहीं करूंगी लेकिन मैं सपोर्ट करूँ। वहाँ मेरे माँ मुझे सपोर्ट करे, काफ़ी मोटिवेट करे, फिर मैं पीयूसी में पास हुआ। डिग्री में एडमिशन लिया, फिर सेम प्रॉब्लम, यानी जो भी मेरे को समझाते थे वो पूरा इंग्लिश में था और मेरे समझ में ही नहीं आता था। कई दफ़ा मैं जो है क्लास अटेंड करते करते एक बोरियत का भी शिकार होता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी। फिर पढ़ाई का जुनून मेरे को इस हद तक था जनाब के एक दफ़ा बारिश हो रही थी और मैं भूमरेड्डी कॉलेज का, आज भी मेरे को सीन याद आता, बारिश हो रही है और 2 बजे मेरी क्लास है प्रैक्टिकल की। तब थोड़ी देर मैं इंतज़ार करा एक दर्द के नीचे ठहर के, फिर चूँकि वक्त ज़्यादा हो रहा, बल्कि वहाँ से मैं अपने हाथ में जो भी शूज़ चप्पल जो भी थे हाथ में लिया और अपना बैग पूरा बांध लिया पीछे, जो है अब वहाँ से दौड़ना शुरू करा। जो ही मैं कॉलेज के कैंपस में पहुँचा तो बाहर पूरे मेरे क्लासमेट ठहरे हुए थे, वो मेरे को देख के हंसने लगे। मैं वो हंसने से मेरे को उसका ख्याल नहीं गया, लेकिन मैं बोला तुम लोग बाहर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी तो क्लास है। तो उन्होंने हंसते हुए बोले पहले अपनी हालत तो देख, बाद में क्लास का सोच। तो मेरे को कुछ ऐसा ये नहीं लगा, क्या हुआ बल्कि पूछा तो बोले कि पीछे पूरे का पूरा जो है तेरा कीचड़ शर्ट के ऊपर आ गया। तो वो लेवल तक का जुनून था, मैं समझता हूँ शायद वही वो जुनून था जो पढ़ाई को लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आया। मगर इस जुनून के बावजूद भी, डेडिकेटेड होने के बावजूद भी, खासकर पेरेंट्स से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि डेडिकेटेड होने के बावजूद, पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी लेने के बावजूद भी फिर मैं डिग्री में क्या होता, फेल हो जाता। तो यहाँ बताना पेरेंट्स को ये चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, तो जब उन्हें पास हो रहे हैं तो उसका भी जायज़ा लीजिए, नाकाम हो रहे हैं तब भी उसका जायज़ा लीजिए। तो इस तरीके से बहरहाल मैं फ़ेल हुआ। फिर बाद में जिसके पास भी पढ़ने को जाता इंग्लिश सीखने के लिए, तो उनका एक ही जो सवाल रहता था कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसके डेफिनेशन लिखाए जाते, पढ़ाए जाते, तो वो फिर मेरे को और डबल सदमा होता। फिर मैं सोचता कि भाई मुझे अगर इतना समझ में आता है पूरे डेफिनेशन, तो मैं आपके पास क्यों आता था। तब फिर मैं बुक्स लेना शुरू करा, अलग अलग बुक्स लिया, उसमें खासकर मोमिन इंग्लिश बहुत अहम है, चाऊस साहब की एक हिंदी की बुक है, वो भी बहुत बेहतरीन बुक है और दूसरे राइटर्स भी हैं। तो इनके बुक्स लेना शुरू करा जनाब, पढ़ते 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 मुझे नींद लग जाती थी, यानी मैं सो जाता था। फिर मेरी आँख जब खुली तो आप यकीन मानिए ना मानिए, मुबीन की आँख बंद होती थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन किताब गोया हमेशा मेरे लिए इंतज़ार कर रही है और बोल रही है मुबीन मैं तेरे लिए सपोर्ट के वास्ते तैयार हूँ। तब मैं वो किताब से सेल्फ लर्निंग शुरू किया कि ये जब पढ़ना शुरू करा तब मेरे को रेमंड मर्फी भी समझ में आने लगा और दूसरे लोग भी समझ में आने लगे। कब हुआ ये, जब मैं ये सेल्फ खुद से पढ़ने की कोशिश करा तो 1.5 से 2 साल लगे, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पर पहुँच गया कि उसके बाद मेरे लिए इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं रही।
और फिर अच्छी बात ये रही कि कॉलेज में एक दफ़ा ऐसे ही सर ठहरे थे, गुस्से से पूछे मुबीन कितने नंबर लेकर आए, 36 लाएँ 37 लाएँ, ये सवाल था सर का। तब मेरा दो साल के बाद जवाब था 36 37 नहीं लाया सर, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कॉलेज में मैं आपके सब्जेक्ट में सेकंड टॉपर हूँ। तब उन्होंने जवाब ये सुने तो बड़े खुश भी हुए थे और ताजुब भी करे थे कि भाई तुम तो क्लास भी अटेंड नहीं करे, हाउ डिड यू गेट दिस मच सक्सेस। फिर मैं बोला कुछ नहीं सर, मेरी प्रॉब्लम थी बहरहाल जो भी सॉल्व हुआ। तो गुजारिश ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके अंदर सलाहियतें बेपनाह हैं, शर्त यह है कि आप उन सलाहियतों को इस्तेमाल कीजिए। बाज़ वक्त आँख कमज़ोर रहने से चश्मा लगाना पड़ता है, बाज़ वक्त सेहत कमज़ोर रहने की वजह से एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट भी अपनी हालत को समझते हुए अपनी कमज़ोरी को दूर करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये इंडिया के टैलेंट को इस्तेमाल करके अमेरिका आज पूरी दुनिया में राज कर रहा है टेक्नोलॉजी से, हम भी एज ए इंडियन पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। शर्त कब है कि हमको सपोर्ट करने के लिए एक माहौल होना, जैसा मैं अपने वालदा का बताया, सही बात, पढ़ाई के लिए आपको अपना जुनून आपका अपना पैशन होना, तब आपकी कमज़ोरी ही जो है आपकी ताकत बन जाती है। आप यकीन मानिए ना मानिए, जितने भी स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, आपसे गुजारिश यही है कि आप अपनी कमज़ोरी के को अगर ताकत बनाते हैं तो वही शायद आपकी पहचान भी बनती है। सर ये बताइए, ये तो आपने अच्छी तरह से समझा दिया है कि आपने इंग्लिश किस तरह से सीखी थी, उससे बहुत सारे लोगों को एक वो भी मिल गया होगा मैसेज। आपको कैसा लगता है फ्रॉम ए बैक बेंचर, जैसे आप खुद ने बताया, आपने खुद बताया आप कमज़ोर थे, तो बैक बेंचर से सीधा आप राइट नाउ की बात करें जो आपकी पोजीशन है, तो तब्दीली देखकर आपको क्या महसूस होता है, किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है? दरअसल मेरे को ऐसा लगता है कि आप रेस में निकलें और आपके पास शूज़ नहीं है, आप रेस में, रेस में निकला हूँ और मेरे पास वो जो रेस के लिए चीज़ें चाहिए वो नहीं है, तो ज़ाहिर बात है मैं पीछे ही जाऊँगा जी। तो यही मामला मेरे साथ भी रहा, ये टेंथ के करीब पूरा टेंथ की क्लास तक रहा, फिर बाद में जब मैं पिकअप करने वाला था फिर ये इंग्लिश का सदमा हुआ, इस तरीके से जो है बहरहाल ये फेस करा। तो अब यहाँ जो आया, ये सब के पीछे सिर्फ एक ही फार्मूला है कि अल्लाह के फजल से जो लड़का खुद इंग्लिश में फेल हुआ आज उसके स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह 100 मार्क्स इंग्लिश में ले रहे हैं। आप उर्दू मीडियम के, मैं फलां स्कूल में पढ़ाया तो 75 उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश में जनाब जो है 100 मार्क्स लेते हैं, तो ये एक बिगेस्ट अचीवमेंट है। और एक फलां स्कूल में हम नाम इसलिए नहीं बता सकते कि हम किसी स्कूल का नाम डिस्क्लोज नहीं करते, और इसी तरह अलग स्कूल्स में उर्दू मीडियम में मैं पढ़ाया तो उसमें 28 स्टूडेंट्स जो है मोर देन 90 मार्क्स इन इंग्लिश दे गॉट। तो ये कैसे हुआ, क्या रीज़न है? तो रीज़न है सेल्फ असेसमेंट। जब तक आप अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं करते तब तक जो है आप आगे नहीं जा सकते एज ए कम्युनिटी एज ए स्टूडेंट। तो सेल्फ असेसमेंट मेरे ख्याल से अहम है, मैं समझता हूँ आपके जवाब तो शफी बखूँगा। सर जैसे आपने बताया उससे मैं भी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, मेरे करीबी दोस्त हैं जो आपके स्टूडेंट रह चुके हैं सोहेल मनियार जी, वो अभी भी आपका एक लाइन अभी भी दोहराते हैं कि सक्सेस फॉलोस लीडर, जो आपने उनको सिखाया था। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर के जो आज भी हमसे भी उनका आमना सामना आता है तो आपकी तारीफ करते हैं, तो आपके स्टूडेंट्स ऐसे जो काबिल बन चुके हैं स्टूडेंट आज एक मुकाम पर हैं, जो आपके पास एक टेंथ पे आपके पास इंग्लिश सीखने आए थे सीख कर गए थे, तो आपके सिखाने के बाद जो है ना उनकी ज़िंदगी में चेंजेस देखने को मिले बहुत सारे। एक चीज़ ये बताते चलूँ, ना सिर्फ कामयाब तुलबा बल्कि सर ने ऐसे ऐसे लड़कों को इंग्लिश सिखाया है जो कि लेबर हैं, काम पर जाते हैं या फिर कोई तरकारी की बंडी वाला है, जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि इंग्लिश सीख सकेगा या कोई इन्हें सिखा सकेगा। सर जो है ना वैसे लोगों को भी इंग्लिश सिखाकर उनमें कॉन्फिडेंस पैदा कर चुके हैं, तो उनके बारे में, वैसे स्टूडेंट्स के बारे में आपसे सुनना चाहूँगा, आपका क्या ये होता है जब कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जो टोटली नील होता है, उसे कुछ ABC भी नहीं आता है, मेरे हिसाब से अगर देखें ABCD भी नहीं आता है, तो वैसे स्टूडेंट को आप किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से आपका ये होता है? असल में लेबर और जो लीडर के अंदर एक सेम क्वालिटी पाई जाती है वो है हार्ड वर्क। आप स्कूल जाएं या कॉलेज जाएं या ना जाएं, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप दुनिया के जितने भी लोगों का ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए तो उनको पता चलता है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। अब ये जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास है, चाहे वो आदम की बात रहो या सोहेल साहब की बात रहो, कमर साहब की बात रहो या किसी और दूसरे स्टूडेंट्स की, तो ये तमाम स्टूडेंट्स, सुचित्रा की बात रहो या कोई और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसमें जयशंकर भी है जी, तो शेट्टी का 100 मार्क्स अचीवर भी है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे को जब उनको जब पढ़ाने का मौका आता है तो शुरू में उन्होंने डरे हुए रहते हैं,
एक उनके पास खौफ रहता है और दूसरी जो चीज़ है उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। सही बात। तो हमारा जो मेथड है, हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उनका जो डर है वो निकाल देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि उनके अंदर जो एनर्जी लेवल रहता है, जो एक एंथुजियाज्म रहता है कोई चीज़ को हासिल करने का, उन्हें पूरा लगाते हैं। उसका नतीजा ही है कि आज अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह एक पेंटिंग का काम करने वाला पेंटर बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह आज इंजीनियर है। ये महज अल्लाह का फजल है। हम क्या करें, हम कुछ नहीं करें। मेरे पास शाम में आता है, सर मैं जो है झाड़ू रहती है हाथ में, मैं आपके पास जो इंग्लिश सीखना चाहता हूँ मोमिनपुर के इंस्टीट्यूट में। रात में 9 बजे 9:30 बजे आता है, हाथ में चुनने की जो भी वो थी चीज़ें थी साइड में रखा। मैं बोला बेटा तो लोगों के घरों को जो है कलर लगा रहा है, कलर वाला फुल बना रहा है, तो आने वाले ज़िंदगी इंशाल्लाह तालीम से तेरी भी वैसी बनेंगी। आज देखते हैं वो बच्चा इंजीनियर बन के अच्छी अपनी शानदार ज़िंदगी गुजार रहा है। ये एक नहीं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्ज़ाम्पल्स दरअसल बताते हैं कि हमारे पास बचपन में गो के हमको सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन एक एज के बाद भी जब मिलता है या अच्छा टीचर मिलता है, गाइड मिलता है, तो वो इंसान बहुत आगे जा सकता है। उसकी मिसाल मैं तो समझता हूँ इलियन मस्क जो है अभी वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन, एक बेस्ट एग्जांपल है। शायद ये भी उन्हीं तरह के लोगों में से है। अब गुलबर्गा के अंदर भी कईयों नाम देखते हैं, गो के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन अपने अपनी फील्ड के अंदर माहिर हैं। तो क्या रीज़न है, उनको एक सपोर्ट होना, एक मोटिवेशन होना और अचीवमेंट होना। तो अब हमारे पास बच्चों के अंदर क्या आ रहा है, एक अचीवमेंट होने की वजह से वो बहुत आगे जा रहे हैं। हम एक कोशिश कर रहे हैं, छोटी सी आशा का जो नाम है उसी टाइप से। सर आपकी लाइफ के बारे में ये बताइए, क्योंकि बेसिकली हम जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि आपकी लाइफ के बारे में देखकर सुनकर लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले, उनको कुछ सीखने का मौका मिले, लाइफ को देखकर के क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे अवाम का ये एक ये होता है कि कामयाबी को देखते हैं, मतलब वो कामयाबी के पीछे कितना स्ट्रगल है उसको नहीं देखते। जस्ट कामयाबी देखकर बोलते हैं अरे ये तो बड़ा आदमी है वो है, बट उसके पीछे जो स्टोरी होती है वो नहीं देखते। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने ज़िंदगी में किन किन चीज़ों से मतलब खोया है और क्या क्या चीज़ें आपने पाई है या फिर क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं आपने लाइफ में? सबसे बड़ा यहाँ तक आने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो मैं खो दिया, मुझे आज बहुत तकलीफ होती है अभी भी, अल्लाह अच्छा रखे मेरे माँ बाप को, खासकर मेरे वालिद साहब मुझे इंजीनियर बनाने का बड़ा ख्वाहिशमंद थे। आज उन्हें बहुत खुश भी हैं कि मैं इंजीनियर्स को भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे को ये चीज़ का दुख होता है कि मैं अपने वालिद साहब की एक मामूली ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। इसका मुझे अफसोस है इस बात पर। मगर फिर बाद में जब मैं अपनी कमज़ोरी को समझते हुए, फिर उनके मुकाम को समझते हुए जब मैं कोशिश करा, तो आप यकीन मानिए ना मानिए अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी मुकाम पे हूँ, जैसा भी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट दरअसल मेरे को बदल दी, आप बोल सकते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट आने के बाद मैं उस वक्त IAS का एग्ज़ाम लिख रहा था, काफ़ी अच्छी कोशिश भी करा मैं, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा पढ़ता था कि मेरे को 24 घंटे कम लगते थे, 18 घंटे तो मैं कम से कम मेरी पढ़ाई में जाते थे। मेरे साथ में रूममेट रहने वाले बोलते थे मुबीन जब भी हम देखते हैं तो सिर्फ कुर्सी पे एक स्टैचू के जैसा बैठा हुआ है। तो वो वहाँ पे मैं पढ़ना शुरू करा, तो IAS में सक्सेस नहीं होने का राज मैं समझता हूँ मेरा प्रिपरेशन सही नहीं होने की वजह से हुआ। तो उसके बाद आप देखते हैं ताजुब भी होगा कि मैं 11 लड़कियों को गाइड करा KAS में, सिर्फ गाइड करने से 2 लड़कियाँ क्लिक भी हुए, तो IAS नहीं, उन्होंने KAS नहीं बन पाए, उनका अपना जाति मामला था, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो एक अलग चीज़ है। तो बहरहाल यहाँ बताने का मकसद ये है कि मेरे हाथ से जो मिस हुई अपॉर्चुनिटी वो इम्प्रॉपर गाइडेंस की वजह से हुई और एटमॉस्फेयर की वजह से हुई। तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरी आपसे गुजारिश है अगर आपको सही गाइडेंस मिलता है, सही एटमॉस्फेयर मिलता है, तो वो आपको आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये चीज़ मैं समझता हूँ मैं अपने हाथ से खो दिया क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं था। तो अब मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं फ्री कोचिंग करता हूँ पिछले 8 से 9 साल से, जिससे मैं कोई एक पैसा भी चार्ज नहीं करता। जो 10th के बाद कितने कोर्सेस आते हैं, क्या है क्या नहीं। अब मैं नेक्स्ट जो स्टेप ले रहा हूँ करियर काउंसलिंग का है, जो हैदराबाद कर्नाटक में एक मुनफरिद रहेगा, जहाँ पे हम आपके स्टूडेंट्स को देखकर उसकी स्किल्स को समझ के बता देंगे कि ये फील्ड में कहाँ पे ये बंदा जा सकता है। और मैं करियर काउंसलर भी हूँ द हिंदू की तरफ से, फिलहाल हैदराबाद कर्नाटक रीजन में मैं कर रहा हूँ। सर ये बताइए, लाइफ में सभी को किसी ना किसी चीज़ से डर होता है, खौफ होता है, आपको किस चीज़ से डर लगता है? मेरे को सबसे ज़्यादा डर जिस बात का मैं अभी जिक्र करा, मुझे जो डर लगता है वो है
मेरे वालिद साहब की एक मामूली में खुशी जो उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे वो मैं नहीं बन सका, मुझे इसका बहुत ज़्यादा अफसोस है। बहुत ज़्यादा मेरे को कभी कभी डर लगता है जब मैं खासकर सफ़र करते रहता हूँ तो मैं अपने वालिद साहब की क्यों ये मतलब कि मामूली खुशी भी पूरी नहीं करा। मगर आज मेरे वालिद साहब मेरे साथ हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स की बेवकूफ़ी से डर इस बात से लगता है कि न स्कूल कॉलेज जाते हैं और इनको ये भी समझ में नहीं आता कि न समझ रहे या नहीं समझ रहे, खाली रटना 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 रटना। ये रटने का जो सिस्टम है इससे मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जब हम इंटर हो रहे हैं तो यहाँ रोबोट भी रोबोट बनाने का काम करेगा। ऐसे दौर में आपके तलबा जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं वो कैसा इससे मुकाबला कर पाएंगे, इस पर सोचिए। और जो लोग समझ के गौर और फिक्र से पढ़ेंगे उनके अंदर ये क्वालिटी पैदा होंगी कि आगे उन्होंने जो जो भी एक दुनिया को सोल्यूशन दे सकेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स की आने वाले दिनों में डिमांड है। अब गांधी जी कहाँ पैदा हुए ये सवाल नहीं होगा, बल्कि सवाल ये हो सकता है कि गांधी जी अगर आज पैदा होते या आज रहते तो आज क्या रोल कर सकते थे, या आज जो करप्शन या दूसरे प्रॉब्लम से इंडिया जूझ रहा है इसमें इसको सॉल्व करने के लिए गांधी जी किस तरीके से डील कर सकते थे उस प्रॉब्लम को जी। तो ये तरीके के सवालात पूछे जाएंगे, यानी पूरे गौर और फिक्र के सवालात पूछे जाएंगे और रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको खत्म पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। और वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के रूल्स के हिसाब से फोर्थ स्टैंडर्ड तक बच्चे को लिखना पढ़ने आने का है, फिफ्थ स्टैंडर्ड से तो अलग सब्जेक्ट्स शुरू होते हैं, वहाँ से आप देखते हैं मैं देखते हैं समझने और गौर करने का मामला होता है। तो ये पहलू से ये है, इससे मेरे को डर लगता है कि स्टूडेंट स्कूल जाते हैं बगैर कुछ सीखे बगैर कुछ स्किल डेवलप करे के वापस घर को आते हैं और फिर रट कर वापस स्कूल जाते हैं, और माँ बाप भी उनके रटने में खुश हैं, स्टूडेंट अपने रटने में खुश है, और टीचर सिस्टम पूरा जो है रटने की तरफ मुलविस है। तो नतीजा क्या निकल रहा साहब, नतीजा सिंपल निकल रहा है, आप कई इंजीनियर्स निकाल रहे हैं पूरे के पूरे बेकार। सही बात है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप कभी कुछ सुने, आप कभी ऐसा सुने कि एक शख्स जो है मामूली गैराज को जाता है 5 साल के अंदर गाड़ी पर हाथ रख के उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता गाड़ी का क्या है? तो 15 साल अगर एक बच्चा पढ़ता है माँ बाप पूरी फैमिली जो है एक उम्मीद से पढ़ाती है और फिर क्या हम उसे बेकार बना रहे? क्या हम बेकार बना रहे? जाहिर बात है हम बेकार बना रहे, क्यों? क्योंकि पूरा रट्टू सिस्टम हो गया। तो ये रटने के सिस्टम को अवॉइड करके समझने के सिस्टम को अगर आप लेंगे तो आप यकीन मानिए ना मानिए गूगल से लेके जो भी कंपनी आपको हायर कर रही है वो आपकी सोच और समझ से कर रही है, आपके रटने की स्किल से नहीं कर रही। इसीलिए मुझे रटने से बड़ा डर लगता है खासकर। सही बात है, मैंने भी इंटरव्यूज मतलब जब ये फील्ड से पहले जब इंटरव्यू दे रहे हम कोई भी एजुकेशन वो बोलते थे जब एचआर वगैरह जो इंटरव्यू लेते थे वो साइड में रखो सर्टिफिकेट आपको क्या आता है वो बताओ, जैसे कि आप बताएं सर। ये तो हो गई आपकी बात, पहले तो मैं ये बताता हूँ सर के हर आंसर में एक स्टोरी है, एक हम इंस्पिरेशन स्टोरी कह सकते हैं वो है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम लोगों में ये वीडियो पहुँच जाए, सर के मैसेज को जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम आवाम में और उनके बच्चों में जो है ना ये मैसेज पहुँच जाए। सर ये बताइए आपने कामयाबी तो स्ट्रगल भी किया है, आपको कामयाबी मिली है, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको याद है स्टूडेंट्स की हो या आपके लाइफ की हो जो हमारी आवाम के साथ देखने वाले व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? लाइफ में कोई ऐसा लम्हा आपके साथ गुजरा है कि आपके दिमाग में वो स्टोरी छप चुकी है अभी तक, ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे आप हमारी आवाम से? एक लम्हा है, वो लम्हा है हमारे दो स्टूडेंट्स जो KS के 2012-13 में फर्स्ट राउंड में एक फला एग्ज़ाम में बुरल पास हुए थे। तो वो मेरे को आज IAS का जो मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ 11 लोगों को गाइडेंस सेंटर खोल रहा हूँ करियर गाइडेंस, ये वही इंस्पिरेशन है। दो लड़कियाँ क्लिक भी हुए थे तो उनके पेरेंट्स उनको रोक दिए यानी आगे पढ़ने के लिए। ये चीज़ मेरे को ज़्यादा बहुत ये तकलीफ़ देती है। तो मेरी गुजारिश है तमाम पेरेंट्स से, जो बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं आप उनको आगे बढ़ाइए। अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यानी 10th के बाद डिग्री के बाद क्या करना है, कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी ईमानदारी से आपको पहुँचाऊँगा। और एक अहम बात वो ये है, वो बात ये है कि अमेरिकन सिस्टम एजुकेशन को समझिए, इंडियन एजुकेशन को समझिए। इंडियन एजुकेशन में आने वाले आप जो हम देख रहे हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कंसेप्ट नहीं है,
आप अमेरिका के अंदर अगर कोई स्टूडेंट इंटरनेट से भी प्रोजेक्ट पे काम करता है ना, कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है, कॉलेज का है, और वो प्रोजेक्ट जो है वो बच्चा काम करता है, 5% से ज़्यादा अगर इंटरनेट से लिए हुए गए कंटेंट हैं तो बच्चे का वो जो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है। अच्छा। यानी कॉपी करने की वहाँ प्रोजेक्ट में भी इजाज़त नहीं है, खुद से करना, किसी की कॉपी करने की नहीं, सेल्फ करने की है। तो मेरी आप तमाम पेरेंट्स से गुजारिश ये है, आपके पास एक से एक बेहतरीन डायमंड, चाहे वो सोहेल साहब हो, खदीर साहब हो, खमर हो, या कोई और दूसरे जितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे को खुशी होती है। वो बच्ची इरफाना जिसका जिक्र मैं करते हैं, MSc के टॉपर्स में से है, उसके वालिद साहब ऑटो चलाते हैं, माँ उसकी कुर्बानी का आलम यह है कि चूड़ियों के ऊपर कलर लगा के ये अपनी बच्ची के पढ़ाई का इंतज़ाम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम स्टोरीज हमारे को बताते हैं कि हमारे अंदर करने की सलाहियत, आगे बढ़ने की सलाहियत है। शर्त यह है कि प्रॉपर गाइडेंस विथ अंडरस्टैंडिंग के होना, तब हम बहुत आगे जा सकते हैं। वक्त के इंद्रानुई भी आप बन सकते हैं, आप चाहे तो अपनी फील्ड के कोई भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपकी मिसाल, बेहतरीन मिसाल हमारे पास गुलबर्गा के अंदर भी है। आप चाहे वो तनवीर आसिफ की शक्ल में देखो, मैं आपके दक्कन डाइजेस्ट के तलहक की भी जिक्र करता हूँ इस बारे में कि ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन के बीइंग द इंजीनियर। वो लड़का क्या करता है, सोशल मीडिया में एक रिवॉल्यूशन लाता है। आप उनसे भी कभी बात कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के अंदर रिवॉल्यूशन ला के एक बड़ा, एक आप बोल सकते हैं कि जॉब मार्केट क्रिएट कर दिया बंदा। तो ये जो आइडियाज़ रहते हैं ये सोचने से आते हैं, ये रटने से नहीं आते। तो इस पहलू से हर लड़का हर लड़की अपने अंदर एक सलाहियत रखते हैं, उन सलाहियतों का इस्तेमाल करके आगे बढ़िए, पीछे हटने का मत सोचिए। और पीछे हटने वाले लोग आने वाले दिनों में रटने वाले हैं, समझने वाले आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि समझने का फार्मूला 700 से ज़्यादा कुरान बताता है कि तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते, तदब्बुर क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे जहनों पे ताले पड़े हैं। एक आम जो है साइंटिस्ट गौर फिक्र करता तो नई चीज़ ईजाद कर लेता है, एक आम बंदा जो है फेसबुक जैसी चीज़ क्रिएट कर लेता है। और इसी तरीके से आप देखते हैं लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वास्ते एक बंदा आगे बढ़ता है और नई जो है इलेक्ट्रिक कार बना लेता है। तो ये सब लोग जो है समझ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े, आप भी अपने प्रॉब्लम को समझते हुए आगे बढ़िए, तो बड़ा नाम, बड़ा मुकाम और बड़ी बेहतरीन जो है पहचान बना सकते हैं। इस लेवल तक पहचान बना सकते हैं कि आज आप पेपर पढ़ रहे होंगे, ऐसे मेरे जैसे इंटरव्यूज़ देख रहे होंगे, आप खुद इंशाल्लाह इंटरव्यू देने वाले बन सकते हैं और लोग आपकी जो है इंटरव्यूज़ देख भी सकते हैं। थैंक यू सर। ये बताइए आपके सफ़र के बारे में तो हमने जान लिया, अभी राइट नाउ की बात करते हैं। आपने आपकी ज़िंदगी क्या क्या हैप्पी मोमेंट्स हैं या फिर अचीवमेंट कह सकते हैं, क्या क्या अचीवमेंट आपने किए हैं उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट यही है कि जिसमें मैं 35 मार्क्स नहीं लिया था, वो सब्जेक्ट्स में आज मेरे बच्चे स्टूडेंट 100 मार्क्स ले रहे हैं। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिगेस्ट अचीवमेंट है। दूसरा अचीवमेंट ये है कि जब भी मैं लोगों को पढ़ाना शुरू करता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं सेडम में मेरा परसों वन डे चैलेंज रहा, 2 दिन का प्रोग्राम था, 2 दिन में इंग्लिश सीखो जी। तो वो 2 दिन में 90 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 87 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी नज़र मेरे से हट रही नहीं। वो लेवल तक अटैचमेंट, वो लेवल तक कॉन्सेंट्रेशन, मैं समझता हूँ ये एक बिगेस्ट अचीवमेंट है कि किसी को देखकर कोई उम्मीद जागना कि ये बंदा हमारा काम कर सकता है। तो कल इंशाल्लाह हमारा यादगिरी में भी प्रोग्राम इसी सिलसिले का है, 1 दिन में इंग्लिश सीखो। ये क्रेजी इंग्लिश चैलेंज टू चाइना है, यानी हम चाइना के अगेंस्ट जैसे कोई प्रोडक्ट लाता है तो हम हमारी इंग्लिश लेकर आ रहे हैं, और इसी इंग्लिश से हम IT सेक्टर के अंदर भी जो है हम आगे जा रहे हैं। दूसरा अचीवमेंट है मेरा I+T चैनल पर मेरा प्रोग्राम आना। तीसरा अचीवमेंट है मेरा द हिंदू पेपर, ख़ुद मेरे ताल्लुक से मैं शायद गुलबर्गा में वाहिद वैसा मुस्लिम नौजवान हूँ जो हिंदू पेपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताल्लुक से दिस टीचर इज़ ए मॉडल 2010 में लिखा था, फिर 2015-16 में दक्कन हिराल्ड भी मेरे ताल्लुक से लिखा, संजय वाणी भी मेरे ताल्लुक से लिखा, दक्कन हिराल्ड द लाइट इन द नाइट बोल के मेरे ऊपर एक बड़ा आर्टिकल लिखा, इसी तरह संजय वाणी लिखे, फिर साथ ही साथ मुझे द यंगेस्ट एजुकेशनिस्ट अवार्ड दिया गया जिसमें 7 IAS ऑफिसर उसके मेंबर थे, जिसमें सैयद किरमानी साहब भी वो उसके पैनल के मेंबर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं, मगर इन सबसे जो मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है या बेहतरीन मोमेंट है, मेरा वो मोमेंट है जब मैं बीबी रजा में पढ़ा रहा था, तो लास्ट मेरी क्लास आखिरी क्लास थी वहाँ पर, तब मैं एक सीन, शायद ये टीचर को ही नसीब होता है, जो ही मैं अपना बैग लेके कॉलेज के अंदर इंटर हुआ, तो
तो उस वक्त ग्राउंड में बच्चे इंट्रोल के बाद खेल रहे थे, जो ही मुझे देखे पूरे के पूरे लड़कियां, ऐसा लग रहा था जैसे ये उड़ते हुए क्लास की तरफ जो है एक वेज में जा रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट था। और दूसरा अचीवमेंट ये है कि हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स में एक पेरेंट है, उन्होंने आकर जो है सामने हाथ जोड़कर ठहरे और बोले, हाथ जोड़ते हुए, मुबीन सर हम जो है अपने बच्चे को जो है आपके पास पढ़ाना चाह रहे हैं और ये 2-3 साल तक मैं आपको मेरे बच्चों को गोद में डाल देता हूँ। ये जो है बसो कल्याण के करीब के हमारे स्टूडेंट हैं, उनके वालिद साहब माउस बेचते थे, अभी बेचते हैं। तो वो बच्चा आज जो है डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया। तो ये मेरा एक आप बोल सकते हैं अचीवमेंट है। और दूसरा जो अच्छी चीज़ ये लगती है, कल तक जिस पेपर को मैं पढ़ता था हिंदू, आज अल्लाह मौका दे रहा है कि मैं उसी के प्लेटफॉर्म से एज ए काउंसलर पूरे हैदराबाद कर्नाटक रीजन में काम कर रहा हूँ। और आखिरी और अहम बात वो ये है कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, बस उनसे गुजारिश ये है कि आपका हर काम, पढ़ी से आप कुछ भी बने, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आपके काम से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होना, जो इस्लाम बोलता है वही बात आज अमेरिकन स्टडीज़ के अंदर ये कही जाती है कि आप इंजीनियर बन रहे हैं तो इससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा। सही बात। तो आप जो भी पढ़ें, जो भी बने, मगर सोसाइटी को फ़ायदा होना, इसलिए यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे ख्याल से। सोसाइटी को जो फ़ायदा दिए, कभी वो गांधी बने, कभी कोफी अनन बने, कभी जो है थॉमस एडिसन बने, और कभी कोई और बने, तो आप भी सोसाइटी को फ़ायदा दीजिए अपनी पढ़ाई से और सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप एक ज़िंदगी में कोई मकसद बनाते हैं। मैं अचीवमेंट्स के ताल्लुक से आपको ये बताना चाह रहा था कि अचीवमेंट्स के अंदर आप एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी का काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को सुपर 30 के अंदर जो ऋतिक रोशन की पिक्चर थी उसमें जो यहाँ से गुलबर्गा से सपोर्ट करे वो मेरे अपने स्टूडेंट जयशंकर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि दक्कन हेराल्ड या फिर आपका द हिंदू, ये जो भी लोग मेरे को लिखे मेरे ऊपर आर्टिकल, ये भी हमारे जो इंडियन ब्रदर्स हैं। तो ये अचीवमेंट्स मैं समझता हूँ एक यूनिक हैं, एक डिफरेंट हैं। इससे भी हटके और एक जो एक डिफरेंट अचीवमेंट है वो है चैलेंज टू चाइना। चाइना कल भी हमारा दुश्मन था, आज भी हमारा दुश्मन है, ये तय है बात। अब उसके लिए आईटी सेक्टर पे उन हमला करना चाह रहा है इंग्लिश के ज़रिए, उन क्रेजी इंग्लिश बोलकर लेकर आ रहा है, एक एक हफ्ते में, दो दो हफ्ते में, तीन तीन एक एक महीने में सिखाता है। मैं जो नई चीज़ लेकर आया हूँ वो है चैलेंज टू चाइना, लर्न इंग्लिश इन वन डे। आप बोलेंगे क्या है पॉसिबल है, मुमकिन है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शाम से लेकर सुबह तक एक लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो मुबीन खैरदी अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कोशिश नहीं कर सकता? एक अंग्रेज़ आके 4 घंटों में सिखा सकता, तो हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो हमारा और एक अचीवमेंट है, उर्दू मीडियम, कन्नड़ा मीडियम, हिंदी, मराठी, ये सब स्टूडेंट हिंदी मीडियम के लिए ये सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है कि इंग्लिश इज़ नॉट टफ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ ए ईजिएस्ट लैंग्वेज। अरे इसके पास तो 26 लेटर हैं, कन्नड़ा में तो आप 50 के ऊपर जा रहे हैं, उर्दू में 40 के ऊपर जा रहे हैं। ये हिसाब से आप देखें तो ये लैंग्वेज ईजी लैंग्वेज है। और जब आप कन्नड़ा बोल सकते हैं, हिंदी, उर्दू बोल सकते हैं, तो इंग्लिश भी आप आसानी से बोल सकते हैं। तो मेरा जो आप तमाम स्टूडेंट से भी गुजारिश ये है कि आप इस पर फोकस कीजिए, अपने अचीवमेंट्स की खुद की हिस्ट्री, खुद की स्टोरी बनाने की कोशिश कीजिए, बड़ा मज़ा आता है। और अपना रिकॉर्ड तोड़ने का जो मज़ा है वो तो बिल्कुल अलग और मुनफरिद ही। सर लास्ट में मैं सभी से पूछता हूँ, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछ पाया सर से, बट लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन भी कह सकते हैं, मैसेज भी कह सकते हैं यूथ के लिए, स्पेशली हमारे गुलबर्गा के यूथ के बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, गांजे में मुब्तला हैं, शराब नोशी या फिर सिगरेट वगैरह में, रातों में जगना, टाइम की अहमियत को समझ नहीं रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और स्पेशली आपकी लाइफ में ही आपने ही कभी गिव अप नहीं किया है किसी भी बात पे, तो उसके ताल्लुक से आप हमारे नौजवानों को क्या मैसेज दें? इत्तेफाक से हम जहाँ रंगीन मस्जिद में रहते हैं, वो एरिया पहले कब्रिस्तान में गांजे के लोग आके बैठते थे, वो बचपन में देखे सो है लोगों को। और बदकिस्मती से बुरी सोबत में जाके एक हमारे दोस्त इस दुनिया में अल्लाह को प्यारे भी हो गए उन्होंने। तो मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है, यूथ से गुजारिश है कि आप एक बार अकेले में सोचिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपको कौन करता? पहली मोहब्बत अगर कोई करती तो वो तुम्हारी माँ है, और दूसरी जो मोहब्बत करती वो तुम्हारे वालिद हैं। इन्हों अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर आपकी ज़िंदगी बनाने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं,
तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी ज़िंदगी पूरा टैलेंट लगाकर जो आपके वालिदैन बनाना चाह रहे हैं आपको बन जाइए। बनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और एक लास्ट बात बताना ये चाह रहा हूँ कि बस पढ़े लिखे बच्चे भी जो है ख़ास कर देखने में आ रहा है माँ बाप की वो जो रिस्पेक्ट करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दरअसल सबसे बड़ी जहालत है। तो आप पढ़िए, अपनी ज़िंदगी का जो भी मकसद हासिल करना चाह रहे हैं उसको हासिल कीजिए, वक्त ज़ाय मत कीजिए, क्योंकि खुदा एक ऐसी अजीम हस्ती है जो सुबह देता बार बार लेकिन वक्त कभी वही दोबारा नहीं देता। तो इस पहलू से क्या है, आप अपना इस्तेमाल, वक्त का इस्तेमाल अपने माँ बाप का जो ख्वाब है पूरा करने के लिए, जो आप गोल बनाए हैं उसको पूरा करने के लिए लगाइए, तब आप यकीन मानो या ना मानो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की तरह आप अपना वक्त का इस्तेमाल करते हुए, या थॉमस एडिसन की तरह वक्त का इस्तेमाल करते हुए, या सचिन तेंदुलकर की तरह वक्त का इस्तेमाल करते हुए आप जो है बहुत बड़े कामयाबियाँ इंशाल्लाह आगे हासिल कर सकते हैं। और एक जो अहम बात गुलबर्गा के नौजवानों के ताल्लुक से वो ये है कि गुलबर्गा तो है ही शहर लीडर का, यहाँ जो बच्चा पैदा होता है बनता ही वो लीडर अपनी फील्ड का। आप देखिए हसन गंगू पैदा हुआ तो बहमनी सल्तनत की बुनियाद पड़ी, आप देखते हैं कि गुलबर्गा के अंदर ही जो है पूरा एशिया का नंबर वन सीमेंट प्लांट है, आप देखते हैं कि डायमंड कोहिनूर जैसी जो चीज़ जहाँ से दरियाफ्त होती है वो भी गुलबर्गा रीजन में चाहता। तो गुलबर्गा रीजन यहाँ पर लीडर्स पैदा होते हैं, तो लीडर्स अगर बगैर मकसद के आगे गया तो वो चीटर बन सकता है या अपना टाइम वेस्ट कर सकता है। तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, इसका इस्तेमाल कीजिए अपने मकसद के साथ। मकसद के साथ जो है ज़रूरी है माँ बाप की अहमियत, उनकी कुर्बानी की अहमियत, इन बातों को जहन में रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम गुलबर्गा के अंदर और एक तनवीर आसिफ और दो तनवीर आसिफ एक एक महल से इंशाल्लाह दे सकते हैं। सर आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया उसके लिए मैं तहदिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे साथ थे मुबीन सर जो कि इंग्लिश के बहुत ही बड़े प्रोफेसर हैं। तो ऐसे ही हम हर हफ्ते जो है ना एक नई पर्सनैलिटी को हमारे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करेंगे। अगर आपकी भी नज़र में कोई ऐसी पर्सनैलिटी है तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम तक पहुँचा सकते हैं, उन्हें अपने शो में इनवाइट करने की कोशिश करेंगे। या फिर आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में आप किसको देखना चाहते हैं, या फिर आप में भी ऐसी कोई काबिलियत है जो आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए। आखिर में मैं फिर बताना चाहूंगा ये वीडियो हमने कोलैबोरेशन किया है न्यू दक्कन मीडिया सॉल्यूशन के जरिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और देखते रहिए द गुलबर्गा मिरर दक्कन डाइजेस्ट।